प्रभु जी, पिता इन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये जो वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर, ये वचनों पे चलने वाले हो जाए खुदावन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन, और ये कह रहा हूँ वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। तो आज के मरण के लिए हम देखते हैं भजन संहिता 62 के पहले पद में लिखा, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हैं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे सीधा सीधा बात करता है, केवल हम इस पे विश्वास रखने वाले हो जाए। भजनकार यहाँ पास दाऊद लिखता है, मेरे प्रियो, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हैं, मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर हमें कोई भी उद्धार नहीं दे सकता, कोई भी हमें अंत जीवन नहीं दे सकता, लेकिन एक परमेश्वर की ओर से होकर यीशु मसीह आया, जो जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह लज्जित ना हो वरन अंत जीवन का सहभागी बन जाए। जो उस पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है मेरे पियो, वो अपने डरवैयों को हमेशा ऊंचा रखता है, वो हमेशा उनका ख्याल रखता है, किनको, जो उसके पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। यहाँ कहता है सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तब परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते हैं और कहते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। मेरे पियो, आज हम जीवित हैं, उसका अनुग्रह है कि हम जीवितों के बीच में जीवित रखे गए हैं, केवल हम उस पर विश्वास रखने वाले हो जाए, हम उसको हर एक बातों में हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए। और जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं, हालेलुया, हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है। परिस्थितियां आपके विपरीत ही क्यों ना हो सकता है आप बीमार पड़े हो सकता है समस्याएं आपके चारों तरफ घेर के बैठी हो सकता है आपकी सोचने का क्षमता अभी खत्म हो चुकी हो, आपका दिमाग अभी कुछ काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं और क्या ना करूं, आप इसमें फंसे हो, आज प्रभु के सम्मुख आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं जो चाहता हूँ वो नहीं बल्कि तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में कर, ताकि मेरा जीवन तेरे वचनों के द्वारा आशीषों से भरपूर हो जाए, मैं तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाऊँ, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले हो जाऊँ। और जब हम ऐसा करते हैं मेरे पियो, तो प्रभु का अद्भुत कार्य चमत्कार को हम अपने आँखों से देखते हैं, हालेलुया। यहाँ दाऊद भयंकर कहता है, मैं सचमुच चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ। हो सकता है वो किसी विषय को लेकर प्रार्थना कर रहा हो, उसका प्रार्थना का उत्तर ना मिल रहा हो, वो अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया है, वो चुपचाप होकर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया है, क्योंकि वो जानता है उसका उद्धार केवल वही कर सकता है। वो जो समस्याओं में पड़ा है, इस पृथ्वी पर कोई भी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता, वो समस्याओं का समाधान केवल परमेश्वर के पास ही है, इसलिए वो चुपचाप होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, विनती करता है और कहता है सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, क्योंकि वो मेरा उद्धार है। और दूसरे पद में वो कहता, सचमुच वही मेरा चट्टान है, वही मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं ना डिगूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं पीछे ना हटूंगा, मैं उस पर विश्वास करते हुए आगे ही बढ़ते जाऊंगा, आगे ही बढ़ते जाऊंगा, हालेलुया। मेरे पियो, आज ऐसे बहुत से जो विश्वासी हैं वो मसीह में पीछे हट गए हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में कष्टों को नहीं झेल सकते, दुखों को नहीं झेल सकते,
इसलिए वो सोचने हैं कि मेरा उद्धार इनसे नहीं हो सकता। मेरे पियो, केवल उद्धार वही दे सकता है, आपके समस्याओं का समाधान वही दे सकता है, अनंत जीवन भी वही देगा। हालेलुया, हम यीशु के करीब आने के लिए यीशु मसीह के पास आएं, और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे मेरे पियो, आशीषें हमारे पीछे पीछे आएगी। हम आशीषों के पीछे नहीं, बल्कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो जाएं, और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हर एक आशीषें हमारे पीछे आएगी, क्योंकि जो कुछ पृथ्वी पर सिरजा गया है वो हमारे लिए ही सिरजा गया है, वो हमारे लिए ही बनाया गया है। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो जाएं, और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो प्रभु के कार्य को हम अपने जीवन में हम रिसीव करते हैं। यहां कहता है, सचमुच वही मेरा चट्टान है, वही मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं ना डिगूंगा। वह आपका चट्टान है। समस्याएं पहाड़ जैसे भी क्यों ना हो, दुश्मन आपके ऊपर हावी हो, लेकिन वो आपके पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका चट्टान परमेश्वर है। वो आपसे लड़ने के लिए आएंगे, वो आपसे लड़ाई करने के लिए आएंगे, लेकिन घुटनों के बल रेंगते हुए आपके पास से जाएंगे, क्योंकि आपके साथ लड़ने वाला जीतों का परमेश्वर आपके संग संग रहता है। वो आपके तरफ से आपके शत्रुओं के विरुद्ध में हो जाएगा, और आपके तरफ से उनसे युद्ध करेगा, वो लड़ाई करेगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल हम अपने शत्रुओं के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। प्रभु, जिस तरह से मैंने तेरे वचनों को जाना, अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया, वो व्यक्ति भी, वो भी तेरे जीवन, अपने जीवन का उद्धारकर्ता तुझको स्वीकार करने वाले हो जाए। हालेलुया। मैं पियो, हम सचमुच चुपचाप होकर हम प्रभु की ओर मन लगाएं, हम उससे प्रार्थना करें, वही मेरा चट्टान है, वही मेरा गढ़ है, वही मेरा उद्धार है। हम इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे, जब हम इन वचनों पे विश्वास करेंगे। हालेलुया। हाँ पिता, हम इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हो सकता है पिता इनके प्रार्थना का उत्तर ना मिल रहा हो पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, ये सचमुच चुपचाप होकर तेरी ओर प्रार्थना करके मन लगाने वाले हो जाए पिता, और ये तेरी इच्छा को ये अपने जीवन में मांगने वाले हो जाए पिता, क्योंकि तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, तू हमारा चट्टान है, तू मेरा गढ़ है प्रभु जी। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि ये वचन पिता हमें एक शक्ति देता है, एक सामर्थ्य देता है, और एक नया बल हमें देता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता इन वचन के लिए प्रभु जी। पिता, इन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये जो वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर, ये वचनों पे चलने वाले हो जाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष करते हैं पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको वचनों पे चलने में पवित्र आत्मा के द्वारा पिता इनकी सहायता प्रदान करें। प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो, हम उस पे भरोसा रखने वाले हो जाए, और जब हम इस पे भरोसा रखते हैं, हम जब इसके पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आशीषें हमारे पीछे पीछे आ जाएगी। हो सकता है आज आपने गाड़ी के लिए, घर के लिए, बंगला के लिए और किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन बहुत दिन बीतने के बाद भी वो चीज़ हासिल नहीं हुई है। आज अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए, उसके वचनों को अध्ययन कीजिए। प्रभु, आज से मैं तेरे वचन पे चलने वाला हो जाऊं, और जब हम इस वचन पे चलते हैं तो आशीषें हमारे पीछे पीछे आती है। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि इन वचनों के द्वारा और भाई बहन लोग आशीष को प्राप्त करके यीशु मसीह के पास आकर अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।